मनीषा दिलावर 16711। यस सर। बेटा आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। कैसी प्रिपरेशन है आपकी? ठीक है सर। ठीक है, चलें, वेरी गुड, अच्छी बात है जी। तो रूल्स पता है बेटा आपको? जी सर पता है। क्या है बताएं जी? स्लाइड सारी प्ले होनी है और 1 मिनट और 10 सेकंड की वीडियो होगी, सबने बोलना है। सब ने नहीं बोलना, आपने सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। जिसकी स्लाइड प्ले होगी उसने बोलना। हाँ जी, मेहरबानी है। तो सब ना बोलना शुरू कर देना, ठीक है? 2-3 मिनट और वेट करते हैं बाकी फेलोज का, और फिर इंशाल्लाह जी ताला कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी, जो बच्चा रूल्स को फॉलो नहीं करेगा या किसी की बारी में खुद बोलना शुरू कर देगा, या जैसे ही सर जी मेरे टेक्निकल इशू थी सर, मेरा माइक नहीं चल रहा था, किसी को डिस्टर्ब करेगा उसको 0 नंबर मिलेंगे। लास्ट के ऊपर जब क्या नाम है खत्म हो जाएगी, तो तमाम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सपोज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि रोल नंबर 15-19 ने क्या बताया, सपोज कर लेते हैं ना, या कोई भी जो स्टूडेंट है, जैसे आपका ही है अनीजा, मनीजा, जो क्या नाम है बेटा आपका, सॉरी, अनीजा। अनीजा जी, अनीजा ने क्या प्रेजेंट किया था, मैं पूछ लेता हूँ अमन सफीर से, तो 2 मार्क्स उसके हैं, 2 मार्क्स आपकी स्लाइड्स के हैं, और 2 मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन के हैं, 6 नंबर हैं ये टोटल। और जो बच्चा प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे उसका 0 होगा, ठीक है? और मैं अपना माइंड कोई भी मैं वो रिव्यूज या कमेंट्स नहीं दूंगा। और आपने जैसे ही आपका नाम आएगा जिस स्टूडेंट का भी, वो अनम्यूट करेगा अपना माइक और प्रेजेंट कर देगा, और जैसे ही उसका नाम चला जाएगा उसकी स्लाइड्स वो खुद ही म्यूट कर लेगा। जो किसी दूसरे को डिस्टर्ब करेगा मैं उसको 0 मार्क्स दे दूंगा, ठीक है जी? इंतजार करें कि शुरू करें, क्योंकि अभी आप माशाल्लाह से सिर्फ 3 और 3 6 लोग हो। इंतजार कर लेते हैं। युसरा करीम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक सर, आप सुनाएं। बेटा हम जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काके ये होगा, आपने भी सुन लिए रूल्स बेटा? जी सर। हाँ जी, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा जी। सर मार्किंग कैसे आपने बताई, एक दफा रिपीट कर दें। बेटा 2 नंबर आपके स्लाइड्स के होंगे। अगर आपने स्लाइड्स में, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीधा विकिपीडिया से कॉपी किया और स्लाइड में पेस्ट कर दिया, और वो समझते हैं कि मास्टर बेवकूफ है, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस क्लास में आप आज बैठे हो ना, 11 साल पहले मैं इस क्लास में बैठा था, तो कम से कम मेरे 11 साल ऊपर वाले तो काउंट करें ना आप एक्सपीरियंस के तौर पर। बहुत से स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट कॉपी किया, उधर पेस्ट किया है। 2 नंबर स्लाइड्स के हैं बेटा, 2 नंबर आपकी प्रेजेंटेशन के होंगे, जिसमें ये सबसे पहले तो ये देखा जाएगा आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, फिर आपने कैसे जो आपको 1 मिनट मिला है उसमें आपने समराइज किया है। बेशक आप 3 पॉइंट बताएं, 2 पॉइंट बताएं, लेकिन बताने ऐसे 1 पॉइंट बताएं, लाजमी नहीं आपने पूरी होमोलॉजी मॉडलिंग बतानी है, 1 पॉइंट बताएं, लेकिन इस तरह बताएं कि सब किसी बच्चे को समझ आ जाए। फिर 2 नंबर लास्ट पे होंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा सब स्टूडेंट से। सपोज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जी ईमान फातिमा 16716 जो स्टूडेंट है उसने क्या प्रेजेंट किया है, या मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ जी उन्होंने होमोलॉजी मॉडलिंग प्रेजेंट किया था, बाप बताएं कि उसमें उन्होंने क्या बताया, तो वो 2 नंबर उसके। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप लोगों की ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी, आप लोगों के आपके नंबर पता चल जाएंगे 15 मिनट के अंदर। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें कि 1-2 मिनट ठहर जाएं। सर भी कम है बच्चे, कितने स्टूडेंट्स हैं सर? चलें वेट कर लेते हैं क्योंकि रैंडम है, फिर बाद में स्टूडेंट्स चीखो पुकार करेंगे। अमन सफीर, वालेकुम सलाम। अमन, 3 फाइल्स आपने, अमन का जी बड़ा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, उसने बड़ी मेहनत की है, मेरे साथ दिया है ये स्लाइड, मेरा साथ क्या देना, उसने अकेले ने ये सारी स्लाइड्स बनाई है, तो मैंने सिर्फ उसको आइडिया दिया था कि ये कैसे होना चाहिए। आपको अल्लाह पाक बेटा जजा देगा इसकी, नंबरों पे इसमें किसी किस्म का मैं कोई फेवर नहीं दूंगा,
सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ आपका। और बेटा आपने एक फाइल मुझे अभी भेजी है थोड़ी देर पहले, जी 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 सर, वो वाली यूज करूँ या पिछली वाली जो तीन है वो यूज करूँ? सर बेहतर ये है कि सर आप वो जो मैंने अपडेट करके आपको भेजी आप वो वाली यूज कर लें सर, क्योंकि उसमें वो वाले भी हैं कि जिन्होंने लेट सेंड की थी आपने कहा अच्छा था अच्छा तो आप डेटा क्लियर करेंगे। अच्छा 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 भी रोल नंबर आपको सर उस मेल में बता। चलें ठीक हो गया जी, बिस्मिल्लाह करें जी, इजाजत है। ये ऑटो चलेगी ना टाइमर से? जी सर। बेटा इसमें 50 स्लाइड्स हैं सिर्फ, तो ये जो आपने अभी भेजी है ये थर्ड वाले सेशन की है? जी सर, पहले आपने दो भेजी है राइट, पहले आपने सॉरी तीन भेजी है मुझे। जी जी सर, पहले तो वो तीनों सेशंस की ही भेजी थी सर मैंने, 1 2 3 वाली सर। जी सर, थर्ड वाले में सर रोल नंबर्स थोड़े कम थे, इस वजह से उनको मैंने अपडेट कर दिया। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच बेटा। जो बच्चा रह जाएगा वो बिल्कुल शोरोग होगा, नहीं करेगा, वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि वो टाइम पर नहीं आया था, वो मिस हुआ है, उसके साथ जो भी हुआ है। मैं किसी का जिम्मेदार नहीं होऊंगा, ना मैं यहाँ पे शोर बर्दाश्त करूंगा। जैसे ही स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी, चलनी शुरू हो जाएंगी, मैं अपना माइक बंद कर लूंगा। मैं किसी को कोई कमेंट नहीं दूंगा कि उसने अच्छा प्रेजेंट किया कि नहीं, उसके मार्क्स उसको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? फिर से इंस्ट्रक्शन सुन लें, नवाजिश होगी, किसी को डिस्टर्ब मत करिएगा, अपना नाम देखकर अपने माइक को अनम्यूट करिएगा और जो आप बताना चाहें वो बताइएगा। और जैसे ही आपको पता है कि ये मेरी स्लाइड आखिरी है, उसी जैसे ही आपको अंदाजा हो जाए या दूसरे बंदे का नाम अपीयर हो, जल्दी से अपने माइक को म्यूट करें और दूसरे को मौका दें। एवरीवन शुड बी वेरी एक्टिव, डोंट डिस्टर्ब अदर, प्रे फॉर गॉड फॉर द गुड प्रेजेंटेशन, इट्स ए 1 मिनट प्रेजेंटेशन, दैट इज नोन एज पीचा कूचा इन जैपनीज कंसेप्ट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग। ओके, इजाजत है जी, सी आर एंड जी आर प्लीज। यस सर, ठीक है, स्टार्ट कर दें। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव इन टोटल? सर 25। टोटल क्लास में बेटा कितने स्टूडेंट्स? टोटल 50 सर। 50? जी सर। जी सर 50। ओके, फॉर वी हैव ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स। ओके, वन मोर मिनट देन वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह ताला। एवरीवन शुड बी वेरी रिलैक्स, नर्वस नहीं होना बेटा, घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से कन्वे करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, अगर कोई बच्चा रह भी जाएगा तो हम उसके लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे, उसने परेशान नहीं होना। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अमन सफीर, जी सर आ रही है। ओके जी, प्लीज निमरा शहजादी। यस सर, माइक्स एक्सेप्ट निमरा, यू कैन स्टार्ट बेटा। यस सर, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज निमरा शहजादी एंड माय रोल नंबर इज 16703। सर मूव दिस स्लाइड। यस सर, मैंने जो हमारा टॉपिक है वो है एनएमआर ऑफ प्रोटीन। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन में बताऊंगी एनएमआर हमारे पास एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक है। ठीक है, ये हमारे पास ये सबसे पहले इसको डिमॉन्स्ट्रेट करवाया था 1947 में फिलिक्स पलोज ने। इट्स द मेन प्रोसेस टू डिटरमिन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड इंटरक्शन। सेकेंड वन, इसमें जो हमारे पास है इसमें मेजर करते हैं इट बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 400 to 900 ms। सबसे पहले इसका मेन मकसद है एनएमआर का, कि हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना है। ठीक है, और हमारे इसके लिए हमारे पास जो सैंपल होगा प्रोटीन का, आई लव यू, हमारे पास होगा ठीक है सैंपल। सबसे पहले इसका जो थोड़ा सा प्रोसीजर है वो ये है कि हमारे पास सैंपल होगा ट्यूब में। ठीक है, वो हमें लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस में रख देना है और इसमें हमने बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड दे देना है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड दे देना है तो इसको डिटेक्ट करना है, फिर हमारे पास लास्ट में एक आएगा स्ट्रक्चर जो क्या नाम इसको कहते हैं।
पावरफुल टेक्निक मानी जाती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, जो प्रोटीन का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए। इसका अगर हम वर्किंग की बात करें तो इसमें हम जो क्रिस्टलाइज क्रिस्टल्स हैं प्रोटीन के, उनको उन पर हमें एक्सरे की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, जो डिफ्रैक्टिव फिर वो डिफ्रैक्टिव वेव को एक्सरे के जरिए डिटेक्ट कर लिया जाता है, और जिसको हम प्रापन डायनेस्टीज के बिना पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायनेस्टीज की बिना पर हम एटम्स की मेन पोजिशन को कलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम क्रिस्टल का हर एटम जो इवन जो जियोलाइट और एल्यूमिनियम सिलिकेट में मौजूद होता है, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वह जो मेरी जो मैंने एक ओवरव्यू दिखाया डायग्राम के जरिए कि ऐसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसने रिकॉर्डिंग सेंड की थी सर मुझे। यू हैव टू प्ले एट टाइम यंग मैन, शी लॉस्ट हर टाइम। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुनीजा मकसूद और मेरा टॉपिक है होमोलॉजी मॉडलिंग। होमोलॉजी मॉडलिंग जो है वो हम लोग दो सीक्वेंसेस लेते हैं। इसका रीज़न क्या है कि होमोलॉजी मॉडलिंग हमें क्यों करनी पड़ती है? जैसे कोई नया प्रोटीन सीक्वेंस जो है वो डिस्कवर होता है तो उसका मॉडल जो है ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं होता, उसके लिए हम लोग जो है वो जो नया सीक्वेंस है उसको एज अ टारगेट सीक्वेंस कंसिडर करते हैं, और उसके अगेंस्ट हम लोग ब्लास्ट सर्च करवाते हैं या होमोलॉजी सर्च करवाते हैं, ताकि हम लोग उसका होमोलोगस सीक्वेंस जो उससे सबसे ज़्यादा करीब हो और जिसका जो स्ट्रक्चर है वो मैच करता हो वो ढूंढते हैं, और फिर उसके हिसाब से जो है वो इन टूल्स को यूज़ करते हुए अपना जो है स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करवाते हैं उस नई टेम्पलेट टारगेट प्रोटीन का टेम्पलेट प्रोटीन मॉडल को देखते हुए। और ये जो 10 टूल्स हैं जो लिस्टेड हैं, और ये साइट पे जो है वो इसका प्रोसेस फिगर में जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, सर Excuse me, sir. जी बेटा बताएं। सर इस मायरा नासिर मेरी कजन है, तो सर इसके घर लाइट ऑफ हो गया अभी। बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो मिस हो गया वो मिस हो गया, आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? Okay. Assalamu alaikum sir, my name is Bilal and my topic of presentation is NMR of proteins, and it is a spectroscopic technique that gives us information about the number and types of atoms in a molecule. ye kaisi technique hai jisse hum kisi bhi molecule ke number aur uske andar present atoms ki amount type aur number dekh sakte hain. iske alawa mainly it is used in proteomics for the structure and dynamics of proteins ko hum study karne ke liye उनका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं।
इट इज अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू कैरेक्टराइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ये मेनली दो तरह की हम एनएमआर करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एचएनएमआर और सीएनएमआर. एचएनएमआर में हम नंबर ऑफ एच एटम्स को कंसिडर करते हैं, सीएनएमआर में हम नंबर ऑफ सी एटम्स को देखते हैं. और इसका एक स्पेसिफिक पैरामीटर जो है केमिकल शिफ्ट. केमिकल शिफ्ट क्या होती है कि किसी भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ न्यूक्लियस रिलेटिव टू अ स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड. एक स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड में किसी न्यूक्लियस की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसको केमिकल शिफ्ट कहते हैं. और ये शिफ्ट हमें प्रोटीन की नेटिव और नॉन नेटिव स्टेट बताती है. जब भी मैसेंजर आरएनए से कोई भी प्रोटीन ट्रांसलेट होती है तो उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं ताकि जब प्रोटीन बॉडी के किसी भी पार्ट में मूव करे तो वहाँ वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करे. वो चेंजेस एंजाइमेटिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं. प्रोटीन के सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना तो एंजाइमेटिक होंगी. अगर पॉलीपेप्टाइड चेंज ऐड हो या रिमूव हो तो वो कोवलेंट. टाइप्स ऑफ पीटीएम, फर्स्ट वन ट्रिमिंग. ट्रिमिंग में प्रोटीन का कोई स्पेसिफिक पार्ट कट डाउन हो जाता है जैसे कि सिग्नल पेप्टाइड्स. कोवलेंट मॉडिफिकेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन में पॉलीपेप्टाइड चेंज या तो ऐड हो जाती है या रिमूव हो जाती है. और ये डिफरेंट टाइप्स की डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप आके अटैच हुआ है और इससे प्रोटीन में डाइवर्सिटी है. यूबिक्यूटिनेशन में एक प्रोटीन यूबिक्यूटिन वो आके ऐड हो जाती है. पीटीएम प्रोटीन की हेट्रोजेनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए, प्रोटीन सिग्नलिंग के लिए, बहुत डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस, प्रोटीन के फंक्शन को डाइवर्सिफाई करने के लिए, लोकलाइजेशन इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट. माय टॉपिक इज थ्रेडिंग रिकॉग्निशन. इन इस मेथड में हम फोल्ड को यूज करते हैं, फोल्ड को यूज करते हैं अननोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए. इसके अप्रोचेज के दो अप्रोचेज हैं. एक में एक है एनर्जी बेस्ड अप्रोच, एक है प्रोफाइल बेस्ड अप्रोच. एनर्जी बेस्ड अप्रोच हमारे पास एक एग्जांपल. अब एनर्जी बेस्ड अप्रोच में हम इन दोनों अप्रोच से लेके हम फोल्ड बनाते हैं. सपोज हमारे पास एक प्रोटीन है 100 अमीनो एसिड की. अब उसका टेम्पलेट फाइंड करना मुश्किल है, इसलिए हम डिफरेंट टाइप पैचेस को डिफरेंट प्रोटीन से ले लेते हैं. उसमें हम उन डिफरेंट फोल्ड को इकट्ठा करके उनकी लाइब्रेरी एक बना लेते हैं. उनकी एनर्जी को चेक करने के लिए जब हम उसकी फोल्ड की एनर्जी को चेक करते हैं उसको एनर्जी बेस्ड अप्रोच कहते हैं. और जब उनकी एक प्रोफाइल बना लेते हैं फिजिकल बेस्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर उसको प्रोफाइल बेस्ड अप्रोच कहते हैं. ये इन दोनों की डेफिनेशंस हैं. इन अगर इन एनर्जीज की एनर्जी को फाइंड करने इन पैचेस की एनर्जीज को फाइंड करने के लिए जब हम इसकी एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं तो इससे हम 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फाइंड कर लेते हैं. और ये आगे पेयर वाइज बेस्ड अप्रोच की डेफिनेशन और प्रोफाइल बेस्ड अप्रोच. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ाहिद. में क्या होता है कि प्रोटीन का इनएक्टिव पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, लाइक सिग्नल प्रोटीन्स. सेकंड है कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस. कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस में एडिशन और रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप्स विद वन आर डिफरेंट अमीनो एसिड्स. तो ये उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करता है. तो इसके अगर एग्जाम्पल से ले लें तो है बहुत सारी, लेकिन फॉस्फोरिलेशंस, ग्लाइकोसाइलेशंस उनमें से दो हैं. उसके बाद आ जाता है यूबिक्यूटिनेशन. प्रोटीन डिग्रेडेशन. इसमें यूबिक्यूटिनेशन का मतलब होता है मीन कोई भी एंजाइम जो है लाइक ईलाई जो है वो अटैच होता है और सिग्नल देता है और प्रोटीन जो है वो डिग्रेड हो जाती हैं, उनको उनके डिस्ट्रक्शन कर देता है.
My name is Fatma Noor and my topic is protein folding. As we know, protein has many roles in our body. So like it support muscle, it store molecule, it regulate expression of DNA and RNA and many others. In order to become a useful protein, the polypeptide produced by ribosome during translation must be folded in a unique three-dimensional configuration, and it must bind with a cofactor for its activity. Protein structure can be described in terms of four levels of organization. First one is primary structure, which is simply a amino acid sequence of polypeptide chain. Second, secondary structure, which is formed by hydrogen bond interaction of adjacent amino acid. And third, tertiary structure, which are a compact 3D structure. And in last, quaternary structure, which are found in those protein having two or more polypeptide chain. For example, as in case with hemoglobin. So in protein folding mechanism, sometimes molten globule aggregate. So assistance needed for protein to be folded correctly. Assalamu alaikum, my name is Ramin Abdul, 1740. My topic is amino acid, any of a group of organic molecule that consists of a basic amino group, acidic carboxyl group and an organic R group. Her amino acid mein R group unique hota hai. Her molecule mein central carbon alpha carbon kehlata hai, jo ek amino group aur ek carboxyl group se attach hota hai. Do alpha carbon bond hydrogen atom aur R group se attach hota hai. Nowadays there are 22 amino acid in which proline is amino acid. Some are essential, some non-essential, and other conditionally essential. Different group of amino acid, non-polar characteristic, hydrophobic, polar, hydrophilic, acidic, negatively charged, basic, positively charged. Assalamu alaikum, my name is Muhammad Shyam and my topic is what is proteomics. First of all, I want to tell about you what is proteomics. The study of protein is called proteomics. Benefits of proteomics. Proteomics is a large scale study of proteins. Proteins are vital part of living organisms. Modern proteomics benefit from the ability to assess the modification state of protein directly using a combination of techniques such as mass spectrometry, Western blotting and enrichment. The proteome of the cell much complex than the genome of the cell. Benefits of proteomics in bioinformatics. Proteins govern the most biological process and functions. Proteomics research involved in the separation, identification, qualitative, quantitative and functional characterization of the entire protein profile and in the given cell. Thank you. Assalamu alaikum, my name is Basima Pasa and roll number 16726. PTM, post-launch system modification increase functional diversity of a proteome covalent functional group. Or these modifications include phosphorylation, glycosylation, ubiquitination, nitrosylation, etc. Last few decades, scientists have told that the human proteome is much more complex than the genome. Human genome is 20,000 to 25,000 genes. इसके बरक्स जो प्रोटीनोम है वो 1 million प्रोटीन से मिलकर बना होता है. पोस्ट ऑल्टरेटिव मॉडिफिकेशन इसके कम्प्लेक्सिटी को लेस करता है और मॉडिफाई करता है प्रोटीन को. ये लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज पर हो सकता है. मैनी जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसलेटेड आफ्टर शॉर्टली ट्रांसलेट होती हैं. आफ्टर ट्रांसलेशन शॉर्टली जो होती हैं मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है. और बाकियों की जो है जो रह जाती हैं थोड़ी सी उनकी जिनकी जरूरत होती है उनमें हो जाते हैं. तो इसकी फर्दर टाइप्स हैं. फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ग्लाइकोजन में OH ग्रुप अटैच होता है, और फॉस्फो
ग्लाइकोसाइलेशन में ओलिगोसैकेराइड्स अटैच होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय टॉपिक इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनती है उसे यूटिलाइज करने के लिए जो चेंजेस करते हैं उसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। वन प्रोटीन वर्क्स डिफरेंटली इन 10 ऑर्गन्स ड्यू टू पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोटीन स्टमक में शो होगी लेकिन ब्रेन में नहीं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन की रेगुलेशन के लिए, लोकोमोशन के लिए, प्रोटीन की इंट्रैक्शन के लिए, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। इसकी टाइप्स हैं, इसकी जो फर्स्ट टाइप है ट्रिमिंग, इसमें जो प्रोटीन बनती है उसमें नॉन फंक्शनल अमीनो एसिड को ट्रिम करते हैं। सेकंड टाइप यूबीक्यूटिनेशन, इसमें जो डिफेक्टिव प्रोटीन्स है उसको डिग्रेड करते हैं यूबीक्यूटिन की हेल्प से। और थर्ड, कोवलेंट मॉडिफिकेशन में डिफरेंट केमिकल्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्सीलेशन, कार्बोक्सीलेशन। कार्बोक्सीलेशन में कार्बोक्सिल अटैच होता है ग्लूटामेट के साथ, और हाइड्रोक्सीलेशन में प्रोलीन अटैच होती है हाइड्रोक्सिल के साथ। My name is Noor, having roll number 16735. Topic of presentation is protein structure prediction. इसके दो methods होते हैं, knowledge based approach और physical approach. Knowledge based में हमारे दो techniques हैं, homology modeling है और threading है. Homology modeling में compare करते हैं target sequence को, compare करते हैं target sequence को template sequence के साथ, और इसमें basically ये होता है कि structure भी same होगा तो उसका functions भी same होगा. और threading की बात की जाए तो इन target sequence के लिए होती है only folds which have only fold level homology found. अगर दोनों के difference की बात की जाए तो homology modeling easier targets के लिए होती है और protein threading harder targets के लिए होती है. Next slide, homology modeling में इसमें step होते हैं. सबसे पहले identify template को किया जाता है, align किया जाता है template को, thread किया जाता है sequence को, फिर loop building की जाती है, उसके बाद evaluate किया जाता है model को. और threading की बात की जाए तो हमारे केस में हमारे पास harder sequence. Thank you, Noor. So we are going to stop here for the next lecture as we are running out of time from Zoom. Okay, Aman Safir. Yes, sir. ये शुरू में कौन था जो बदतमीजी कर रहा था क्लास में? सर ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है सर, मैंने देखने की भी कोशिश की है. एस उमेर के नाम से ये कोई बच्चा था, ठीक है, और शायद आपको पता होगा बायोइनफॉर्मेटिक श्री वालों के साथ क्या हुई है, पता है? नहीं सर. पता चल गया होगा आप लोगों को, वसूलन पता चलना चाहिए. उनकी क्लास ने भी पहले बदतमीजी की, मैंने उनको मना किया, वो बिलो द लाइन गुफ्तगू कर रहे थे ऑनलाइन क्लास में. मैंने उनको दूसरी बार समझाया, उन्होंने कल फिर यही हरकत की. मैंने सारी क्लास को बाहर निकाल के ऑनलाइन लेक्चर दिया, खाली क्लास को, और बाहर निकलने की वजह से उनकी एबसेंट भी लग गई उनकी हरकतों की वजह से. और आगे जाहिर बात है वो अब मुश्किल का सामना करेंगे जब वो तमीज नहीं सीखेंगे. तो आपकी क्लास बहुत अच्छी क्लास है और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता था आपकी क्लास पे और 8th सेमेस्टर इवनिंग पे. 8th सेमेस्टर इवनिंग ने तो अभी तक कोई हरकत नहीं की और वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपकी क्लास में से कोई इंसान इस तरह की बेहुदा हरकत करेगा. सो दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग. ट्रस्ट मी, इफ समथिंग हैपन अगेन दिस टाइप और एनी टाइप बिलो द लाइन, स्टडी, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन गाइडेंस के अलावा अगर इस ग्रुप में किसी ने बिलो द लाइन गुफ्तगू की या कोई हरकत की तो या मुझे वो बंदा चाहिए होगा या पूरी क्लास जो है उसकी जिम्मेदार होगी. मुझे कोई बच्चा ब्लेम नहीं करेगा कि सर हमने नहीं किया ये वो, ठीक है. अगर आप लोग माँ बाप के इतने पैसे लगने के बावजूद तमीज नहीं सीख सकते तो क्या फायदा है? जाओ ना रेडियां लगाओ पे, ये रेडियो वाले के काम है ना. वो जो गली में जो लौंडे लपाड़े फिरते हैं, ये जो नशेई हैं, ये जो
माँ बाप से लड़के आते हैं, नाफरमानी करते हैं, जो औरत की इज्जत नहीं करते, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो कुरान नहीं पढ़ते, जो अल्लाह की बात नहीं मानते, फिर वैसे बने ना, फिर माँ बाप के क्यों पैसे जाया करें आप यूनिवर्सिटियों में आके। अगर आपको ये अदारा, मैं या मेरे तरह के और टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बहन भाई तमीज नहीं सिखा पा रहे, तो क्या फायदा है यार, फिर क्यों पैसे जाया कर रहे हो। अगर आप में जिस दिन आप इस अदारे में दाखिल हुए थे और जब आप बाहर निकलो कोई फर्क नहीं आया, बल्कि आप अपने आप को और 30 मार्का समझने लग गए हो, आप अपने आप को बेहतर समझने लग गए हो, आप दूसरों की इंसल्ट कर रहे हो, बिलो द लाइन गुफ्तगू कर रहे हो, औरत की इज्जत नहीं कर रहे, बच्चे पे जुल्म कर रहे हो, गरीब आदमी को मार रहे हो, तो मेरे भाई क्या फायदा है बताओ मुझे। तो फिर तो आपने इल्म हासिल ही नहीं किया ना, फिर तो वो गधे के ऊपर अगर किताबें लाद भी जाए तो वो आलिम नहीं बनता। मुझे बड़ा दुख हुआ है आपकी क्लास की तरफ से ये हरकत देख कर और सुनकर, इंतहाई दुख की बात है। आपको पता है ये लेक्चर्स जो हैं ये YouTube पे चढ़ रहे हैं, आप रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, क्यामत तक YouTube रहनी है, पता है आपको। आप कल को आपकी क्लास जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्लास है, आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट्स किसी जगह के ऊपर, कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई बायोइनफॉर्मेटिशियन हो, कोई रिसर्चर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कुछ भी, तो ये वो लेक्चर निकाल के आपके सामने रख दे कि आपकी क्लास ये कर रही थी, और वो आपसे कहे कि आपने किया है, क्योंकि इसमें साबित तो नहीं हुआ कौन कर रहा है, पूरी क्लास रगड़ी जा रही है ना, तो क्या इज्जत रह जाएगी आप लोगों। बहुत वैसे दुख की बात है बेटा, दिस इज माई लास्ट वार्निंग, ट्रस्ट मी दिस इज माई लास्ट वार्निंग। मैं वार्निंग सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि पहले आपकी क्लास की तरफ से कभी कोई बेहूदगी सामने नहीं आई, सिर्फ इस एक वजह की वजह से। 5 मिनट के बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स शुड बी एक्टिव, और जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया बहुत अच्छा किया, लास्ट में उनके ऊपर डिस्कशन भी होगी, कुछ क्वेश्चन सेशन भी होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।